बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के करंट अफेयर सेशन के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी इंडिया के इलेक्शन को लेके, जो इंडिया के अभी जो इलेक्शन हुए हैं और जिनका फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको पता है कि 4 जून को अनाउंस हो चुका है। और उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन जो है वो वहाँ पर जीत रहा है और क्या गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी और उसका फ्यूचर जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तक जो हमारे पास डेटा आ रहा है जी वो ये बता रहा है कि इस टाइम पर जो बीजेपी है वो वहाँ पर फिर से जीत गई है और बीजेपी जो है वो दोबारा से वहां पे हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि ये वो बीजेपी नहीं है जो 2019 के अंदर जीती थी, ठीक है, जब उन्होंने 300 प्लस सीट्स ली थी 2019 में और सिंपल मेजॉरिटी उन्हें मिल गई थी। जो इंडियन इलेक्शंस हैं वहां पे जो उनकी लोकसभा है जिसको पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली कहते हैं, उसकी टोटल सीट्स होती हैं 543, 543 सीट्स होती हैं, जिसमें से सिंगल मेजॉरिटी के लिए जो है यानी 2/3 मेजॉरिटी आपको तब मिलेगी जब 272 सीट्स आपके पास आएंगी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मोदी साहब पिछली बार 2019 में तो 300 प्लस सीट्स जो लेने में कामयाब हो गए, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनका जादू नहीं चला और इसलिए जो है उन्हें टोटल सीट्स उनकी अलायंस के साथ मिला के जो मिली हैं वो 283 हैं, यानी उनकी जो अपनी सीट्स हैं वो 240 हैं, ठीक है, और साथ में जो उनकी अलायंस है, जो अलायंस जिन पार्टियों के साथ उन्होंने की हुई थी तो उनके साथ मिला के उनकी 283 सीट्स जो बनी हैं। इसका मतलब जो उनको 2/3 मेजॉरिटी मिली है वो अलायंस के साथ मिला के मिली है, बल्कि अकेले नहीं मिली। तो वो जो मोनोपोली थी इससे पहले उनकी पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा के अंदर, जिस केंद्र के तौर पे उन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल बिल पास किए, कश्मीर को जुदा कर दिया, ठीक है जी, सिविल बिल जो है वो सामने लेके आ गए, बहुत से ऐसे मामलात हुए, तो वो सारे के सारे इस बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस बार वो अपनी अलायंस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे जो कभी भी टूट सकती है और उनकी गवर्नमेंट जा सकती है। तो इसलिए मोदी साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो जीत के भी जो है वो हार गए। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो जीत के भी हार गए ये कहा जा रहा है, ठीक है। और वहां पे जो हिंदुत्वता है वो डूबती नजर आ रही है, और हिंदुत्वता यानी हिंदू मजहब के नाम के ऊपर, इवन यहां तक कि अयोध्या के अंदर आपको पता है कि जहां पे उन्होंने मंदिर को शहीद किया था सिर्फ वोट लेने के लिए, वहां से भी जो है वो बीजेपी हारी है। तो एक मैसेज है कि भाई अब हिंदुत्वता के नाम के ऊपर या मजहब के नाम के ऊपर वोट लेना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। दूसरी साइड पे कांग्रेस देखते हैं तो कांग्रेस अपने एलाइज के साथ जो है वो 223 सीट्स जीती है और ये जीत के भी ये कहा जा रहा है कि हार के भी सॉरी जो है जीत गई है। क्यों? क्योंकि इतना इससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये इतना ज्यादा टफ टाइम जो है नरेंद्र मोदी को देगी, और ये कहा जा रहा था नरेंद्र मोदी तो बहुत आसानी से 2/3 मेजॉरिटी सिक्योर कर लेंगे, जीत जाएंगे, फिर से जो है डिक्टेटर बन के आ जाएंगे, हर चीज को हर इदारे को कंट्रोल करेंगे और दुनिया के अंदर हिंदुत्वता होगी, इंडिया के अंदर भी हिंदू ही होंगे, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने पिछले टाइम के दौरान सुनी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस अपने एलाइज के साथ जो है काफी पावरफुल तरीके से अब जो है वो लोकसभा के अंदर आएगी। तो इस केंद्र के तौर पे अब जो लोकसभा है, जो पहले उसका मंजर था जो वहां पे वन पार्टी डिक्टेटरशिप देखने को मिलती थी, वो वन पार्टी डिक्टेटरशिप इस बार देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो अदर्स हैं उन्होंने 37 सीट्स हासिल की। तो बीजेपी अपनी अलायंस के साथ 283 सीट्स, कांग्रेस अपनी अलायंस के साथ 223 सीट्स जो हासिल कर चुकी है। तो बात करते हैं जी एनालिसिस ऑफ इंडियन इलेक्शंस 2024 के, ये जो इंडियन इलेक्शंस अब हुए गए हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडियन इलेक्शन है ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि 1.5 अरब के करीब तो सिर्फ आबादी है इंडिया की, तो इसलिए यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। ये सारे जो इलेक्शंस हैं ये 82 दिन के अंदर कंडक्ट किए गए हैं, 82 डेज लगे हैं, 8 फेजेस के अंदर कंडक्ट किए गए हैं और 19 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होके और 4 जून पे जो है वो आके एंड हुए हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस जो है वो इलेक्शंस ने लिया और काफी टफ प्रोसेस था। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब पोस्ट इलेक्शन के बाद अगर हम सिनेरियो की बात करते हैं तो अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी ही जीते हैं, यानी कि जो बीजेपी है बीजेपी जीत गई है, ठीक है जी, और बीजेपी ने 240 सीट्स अपनी जाती जीती हैं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है। और जो उन्होंने अपनी साथ में एलाइज मिलाए हैं उसके साथ मिला के 282 सीट्स जो हैं वो इस टाइम तक सिक्योर कर चुके हैं, और 543 की ये जो पूरे के पूरा उनकी कांग्रेस है जो सॉरी उनकी लोकसभा है उसके अंदर। अब ये जो इलेक्शन स्पैम है 82 डेज पर रहा, ठीक है जी, 82 दिनों के अंदर इलेक्शन हुआ, 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 1 जून पे खत्म हुआ और 4 जून को जो है वो रिजल्ट अनाउंस हुआ।
ठीक है, और मल्टीपल अप्रोचेस यहां पे जो है वो अप्लाई की गई, सिक्योरिटी लेयर्स वगैरह थी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेक्चर था। और जो इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट अभी फिलहाल कंफर्म कॉस्ट तो नहीं है, तो 14.4 बिलियन डॉलर्स जो है इसकी कॉस्ट बताई जा रही है, इतनी बड़ी कॉस्ट जो है वो इसको पड़ी है। और बेसिक जो मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, इन दोनों ने अलायंस बनाए हुए थे। बीजेपी का अलायंस जो है वो एनडीए था, ठीक है, और जो कांग्रेस का अलायंस था उसका नाम था इंडिया। तो ये अलायंस बने हुए थे और बीजेपी ने जो सोचा हुआ था, जो उसने टारगेट रखा हुआ था कि भाई उसने कितनी सीट्स हासिल करनी है 2024 के इलेक्शन में, उसने कहा था 303 जो है वो 2000, क्योंकि 2019 में 303 सीट्स हासिल की थी, तो उन्होंने 350 के लगभग जो है वो सोचा हुआ था कि हम सीट्स हासिल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 100 सीट्स उसमें से कम होगी, 350 तो नहीं आ सकी लेकिन 240 सीट्स जो है वो इनको मिल गई। और कांग्रेस जो है वो 2019 के अंदर सिर्फ 52 सीट्स जीती थी, जो इस बार जो 100 के अराउंड जो है वो सीट्स जीत चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार कांग्रेस जो है वो आगे गई है और बाकी जो मोदी साहब है वो पीछे आए हैं, ठीक है। और टारगेट उन्होंने यहां पे देखिए, बीजेपी ने 370 सीट्स का टारगेट रखा हुआ था, यानी जो कॉमन मेजॉरिटी टू थर्ड मेजॉरिटी है वो 272 की है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 370 सीट्स जीतेंगे, तो 370 नहीं जीते बल्कि 270 या 282 सीट्स जो है फिलहाल तक जो शोर हुई हैं वो जीते हैं। तो ये काफी ज्यादा उनके लिए जो है वो एक उनका जो हिंदुत्वता का स्लोगन है या वो वन मैन शो जो वहां पे चल रहा था उसको एक धचका लगा है। हर चीज कंट्रोल थी वहां पे, तो उस चीज को भी एक बड़ा धचका लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इनका जो अलायंस था वो एनडीए का अलायंस था, ठीक है जी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो जिसको बीजेपी जो है वो लीड कर रही थी, ठीक है, जो बीजेपी लीड कर रही थी इस अलायंस को। और ये हिंदुओं का प्योर कट्टर हिंदुओं का अलायंस आप कह सकते हैं, ये अलायंस था। और इसमें आपने देखा कि वो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका इलाका था वहां से भी जो है वो जीत गए हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि जो वाराणसी है, जो हिंदुओं का गढ़ है, ठीक है जी, बनारस जिसको आपने नाम सुना होगा, तो ये वाराणसी जो है यहाँ पे जो गढ़ है वहां पे भी एक्चुअली में जो है वो हार गए हैं ये, ठीक है। और वहां से जो मोदी साहब की अपनी विक्ट्री की बात की जा रही है, वो तो खैर जीत गए हैं, अपनी विक्ट्री की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वो 50,000 के मार्जिन से जो है वो उनको विक्ट्री मिली है, ठीक है, वो काफी ज्यादा कम है। और जो बाकी जो विक्ट्री मिली है वो काफी ज्यादा है, जो 2019 के मुकाबले में थी वो बहुत कम हो गई है इस बार। अच्छा, पोटेंशियल फॉर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इस बार क्या बीजेपी जैसे 2019 के बाद वो आई और उसने आके वहां पे वन मैन आर्मी स्टार्ट की, क्योंकि अब ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हो चुकी हैं और मोदी साहब थर्ड टाइम के लिए इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तीसरी बार ये जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं इंडिया के अंदर, तो थर्ड टाइम के लिए हुए, तो पहली बार भी इतनी पावर नहीं थी, लेकिन सेकंड टाइम इन्होंने जो बिल पास किए, जो टैक्स वगैरह लेके आए, जो बाकी जो उन्होंने जो है फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया वो काफी टफ था, जिसके अकॉर्डिंगली यानी उन्होंने रिफॉर्म्स की क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी थी। लेकिन इस बार मोदी साहब के लिए इतना आसान नहीं होगा अगर आप देखें। और अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, जो राहुल गांधी जिसको जो है कांग्रेस लीड कर रही है और राहुल गांधी उनके लीडर लीड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसने क्योंकि गेन किया तो वो इस बार टफ टाइम देने को इन्हें तैयार है, और उनका स्लोगन जो है लिबरल सेकुलर इंडिया का है। अब अगर मेजर कुछ इलाकों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है, अगर यूपी की बात करते हैं, जो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू यहां पे हैं और अल्टीमेटली यहीं से ही जो है वो हर बार जो है नरेंद्र मोदी जीतते रहे हैं और यहीं से वो जीत के यहां तक पहुंचे हैं। तो यूपी की बात करें तो यहां पे कहा जा रहा है कि भाई काफी सख्त किस्म का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन जो वन साइडेड एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा नहीं हुआ, ठीक है। वन साइडेड का मतलब बीजेपी जीतेगी ऐसा नहीं है, बल्कि यूपी के अंदर जो है वो 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज मौजूद हैं, 80 मौजूद हैं। अगर उसमें से आप देखते हैं तो समाजवादी पार्टी जो है, जिनका अलायंस था इनके साथ, तो समाजवादी पार्टी जो है वो 37 सीट्स जो है वो जीत सकी है, ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे। और कांग्रेस जो है यहां पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने कम सीट्स जो है सिक्योर की हैं, 43, तो आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल यहां पे जो मेजॉरिटी है वो कांग्रेस बीजेपी की ही रही है, यानी उसके अलायंस की, लेकिन फिर भी जो है जिस तरह से वो सोचा जा रहा था वैसी विक्ट्री उन्हें हासिल नहीं हुई। इसके साथ साथ खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है कि ये जो अयोध्या मंदिर का जो खास करके इंसिडेंट हुआ, जिसको खास करके इसलिए शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला लिया गया, आपने देखा कि लास्ट ईयर उसका फैसला आया, राम टेंपल वहां बनाने का फैसला किया और मोदी साहब ने बहुत बड़ी जो है वहां पे पूरी ऑडियंस बुलाई, पूरा मीडिया बुलाया, साथ में पूरी बॉलीवुड को जमा किया वहां पे कि भाई ये देखिए मैं हिंदुओं की कितनी खिदमत कर रहा हूं, मुसलमानों के अगेंस्ट में जाके। तो वो फैजाबाद के जो इलाका था, यानी जो टेरिटरी थी, वो फैजाबाद की वो लूज कर गए यहां पे, तो इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और सबसे ज्यादा अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो इसी बात के ऊपर कि भाई देखिए आपने मंदिर के मस्जिद तोड़ के शहीद करके वहां मंदिर की बुनियाद भी रख दी, लेकिन फिर भी जो है आप मजहब के नाम के ऊपर वोट नहीं ले सके।
अच्छा विनारसी के अंदर इनका जो विक्ट्री का जो मार्जिन है वो कहा जा रहा है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया पहले के मुकाबले में। अब 2019 में ये कहा जा रहा है जहां से मोदी जीते थे, ठीक है जी, वहां पे अगर बात करें तो मोदी जो सीट जीते थे वो 5 लाख वोट जो थे 5 ईयर्स के पहले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो थे। लेकिन इस बार जो है अगर वो देखें तो आप 1,52,000 का मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है और राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से जीते हैं और उनका मार्जिन जीत का ज्यादा बन रहा है, वो तकरीबन 3,90,000 बन रहा है। सो इसका मतलब लीडरशिप के स्पैम के अंदर अगर हम देखें तो राहुल गांधी जो है उन्होंने वो अपने आप को आगे लेके गए हैं, ज्यादा मार्जिन से जीते हैं, ज्यादा बड़ा लीडर जो है शो किया, जबकि मोदी के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हुआ, रिड्यूस हुआ, पीछे आया। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में भी जो है वो काफी मार पड़ी है बीजेपी को, ठीक है जी, और यहां पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है खास करके वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही है वेस्ट बंगाल के अंदर और 29 सीट्स जो है यहां पे जो है मिली है, तो उसमें से बीजेपी सिर्फ 12 सीट्स जीत सकी है जो इनके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। वेस्ट बंगाल के अंदर जाके बड़े बड़े दावे इन्होंने किए थे वहां पे इलेक्शन से पहले, लेकिन वहां पे लोगों ने इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। केरला की बात करते हैं तो केरला के अंदर जो है बीजेपी पहली बार जीती है, ये इनके लिए थोड़ा सा है कि यहां पे इनको फायदा हुआ है कि पहले से पहले केरला के अंदर वो नहीं जीती थी लेकिन एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जीती है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें जो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस आपको पता है हासिल है इंडिया के अंदर और महाराष्ट्र के लिए बीजी साहब भी बड़े नारे लगाते रहते हैं जो मोदी साहब हैं, लेकिन यहां पे भी सेटबैक जो है वो मिला है नरेंद्र मोदी साहब को महाराष्ट्र के अंदर भी और यहां पे भी इनका जो अलायंस है उसने लूज किया और अपोजिशन जो है यहां पे उसने गेन किया और अपोजिशन का जो अलायंस था इंडिया उसने 30 सीट्स यहां पे जीती हैं, ठीक है जी, 48 में से, तो इसका मतलब यह है कि 2/3 मेजोरिटी यहां पे महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने हासिल की है और सिर्फ 17 सीट्स जो है आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहां पे जीती है। सो इसका मतलब ये है कि यहां पे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज का। और शिवसेना की जो पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र के अंदर उसको, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये मुंबई का जो एरिया है आपको पता है यहां पे काफी ज्यादा बदमाशी जो है वो दिखाई गई थी मोदी साहब की तरफ से और खास करके शिवसेना जो है वो लोगों को गले काटती और इस तरह का बहुत ज्यादा उनका स्टैंड रहा है और एंटी मुस्लिम स्टैंड जो है हमने यहां पे जो है वो देखा है, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा जो है कहा जा रहा है कि भाई ये काफी खतरनाक चीज है। तो यहां से सिर्फ बीजेपी जो है वो आप देखें 9 सीट्स जो है जीत सकी है, तो काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। कर्नाटका की बात करते हैं तो बीजेपी जो है कर्नाटका के अंदर भी इनको काफी टफ टाइम मिला और बीजेपी यहां पे जो है वो 17 सीट्स जो है जीत सकी है और 2019 के मुकाबले में नीचे गई है। 2019 में 25 सीट्स थी जो 25 से कम होके 17 पे आ गई हैं और कांग्रेस यहां पे 10 सीट्स जो है वो जीत सकी है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे बीजेपी दोबारा से नीचे गई है इस मेन कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो थर्ड टर्म मोदी साहब का इलेक्ट हो गया, अब इसका असर क्या होगा, मोदी साहब की क्या पॉलिसीज रहेंगी, खास करके कुछ मेजर पावर्स को लेके कैसे मुल्क आगे चलेगा। देखिए बेसिकली ये कहा जा रहा है मोदी साहब की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज पहले थी यानी जो हिंदुत्वता की पॉलिसीज पहले थी वही अब भी फॉलो की जाएंगी, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जाहिर बात है जब उन्हीं की गवर्नमेंट आई है तो मेजर पॉलिसी शिफ्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिवाय इसके जो उनकी ऑटोक्रेसी है मुल्क के अंदर जो कर रही थी हुकूमत डंडे के जोन पे वो पॉसिबल नहीं है। तो मोदी साहब 73 इयर्स इनकी इस टाइम पे एज है और ये खुद को हिंदू नेशनलिस्ट मानते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब इनके लिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि ये नेशनलिस्ट पॉलिसीज ही को आगे लेके जाएं क्योंकि अब ये अलायंस के अंदर हैं और एक काफी कमजोर अलायंस के अंदर हैं, सिर्फ 10 सीट्स जो है उनकी ज्यादा है इनकी 2/3 मेजॉरिटी से, तो इसके लिए इनके लिए मुश्किलात बनती रहेंगी। तो इसलिए देखेंगे कि अब ये जो मेजर पावर्स के साथ कैसे मैनेज करेंगे। तो वेस्टर्न एंगेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ऑलरेडी जो है वो 5th इकॉनमी है और वो पहले से ही जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ और अमेरिका और फ्रांस वगैरह के साथ जो है उनके हालात काफी अच्छे चल रहे हैं, तो वो इसी को आगे लेके चलेगा ही कहा जा रहा है। और 2036 का ओलंपिक्स भी जो है वो इंडिया के अंदर करवाने की प्लानिंग है इनकी। फ्यूचर ऑफ मोदी गवर्नमेंट की अगर देखें तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस फिलहाल वो इसको कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई जो प्लान हुआ था उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट और इंडिया के अंदर जो है वो मोदी साहब की गवर्नमेंट आएगी नए इलेक्शंस के इंजेक्ट के तौर पे जो पहले से ही तय था, तो उस इंजेक्ट के तौर पे फिर इनकी जो है आपस में ट्रेड जो है वो बहाल होगी और मामलात सेटल होंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। फिलहाल तो कश्मीर के इशू के ऊपर आपको पता है कि हमारा जो है मामलात इनसे गड़बड़ है, तो क्या पाकिस्तान के साथ दोबारा रिलेशन बिल्ड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब शहबाज शरीफ जीते हैं तो उन्होंने तो मुबारकबाद दी है, तो अब जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब भी देंगे, तो फिर आगे क्या मामलात बनते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं और यूरोप के साथ वो उसी तरह से रहेंगे, ठीक है जी, लेकिन अब आपको पता है कि इस साल जो है वो नवंबर में वहां पे भी इलेक्शन होने लगे हैं, तो बाइडेन साहब चेंज होंगे तो ट्रंप आएंगे, तो क्या वहां पे फिर किस तरह की अप्रोच रहेगी। इसी तरह से अगर फ्रांस के साथ बात करें तो आपको पता है फ्रांस के साथ काफी स्ट्रॉन्ग टाइज है क्योंकि वहां पे जो है उनका अलायंस बना हुआ है, असला वगैरह वहां से परचेज करते हैं। और
चाइना के साथ क्राइसिस फिलहाल वैसे ही चलेंगे ये कहा जा रहा है, ठीक है। वहां पे आपको बताया 2020 के अंदर भी जो है बॉर्डर के ऊपर जो तिब्बत का बॉर्डर है वहां पे क्रैशेस लगे रहे हैं, तो इस बार भी ये कहा जा रहा है कि भाई वहां पे चीजें मुश्किल होंगी। और ये कहा जा रहा है कि 13% मिलिट्री स्पेंडिंग मोदी गवर्नमेंट बढ़ाएगी, इसका मतलब यह है कि मजीद वो असलाह बिल्ड करेंगे, मजीद अपने आप को चाइना के मुकाबले में पावरफुल करेंगे, तो वो टेंशन यहां पे बरकरार रहेगी। और रशिया के साथ जो अलायंस है वो भी कहा जा रहा है बरकरार रहेगा, लेकिन जिस तरह से पहले था वैसे नहीं है, क्योंकि अब वेस्ट की साइड पे जो है वो रुझान इनका ज्यादा है, तो अब देखते हैं क्या होता है। और ग्लोबली अगर बात करें ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ में शायद इंडिया उसी तरह से अपना रोल प्ले करता रहेगा जैसे ब्रिक्स को लेके इंडिया काफी जो है उसने अपना रोल प्ले किया, या G20 को लेके, अफ्रीकन यूनियन को लेके, तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंडिया ने अपने आप को शो किया है और आपने देखा काफी पॉजिटिव जो है उसने इमेज अपनी क्रिएट की है, तो वो उसी तरह से कहा जा रहा है कि मैं भी आगे चलेगा। तो एट दी एंड हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी की लोकसभा के इलेक्शन है, ठीक है जी, बीजेपी उसके अंदर जीत चुकी है और थर्ड टाइम के लिए नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन जो विक्ट्री वो चाहते थे वो नहीं मिली, 2/3 मेजॉरिटी उन्हें सिंगल हैंडेडली नहीं मिली, सिर्फ 240 सीट्स जीत सके हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार जो गवर्नमेंट होगी वो ऑटोक्रेटिक नहीं होगी बल्कि वो जमहूरियत के करीब करीब होगी, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन्हें इस बार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंडियन इलेक्शंस हैं।